आपकी स्थिति भी, सीटों का समीकरण आपका भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। देखिए, सीटों का समीकरण स्पष्ट होना एक बात है, बातचीत चल रही है, बातचीत का दौर लगातार जारी है, और जब यह सारी चीजें सबकी रूपरेखा एक बार स्पष्ट हो जाएंगी तो आधिकारिक रूप से आप लोगों के बीच रख दिया जाएगा। उससे पहले तो मीडिया का काम है भाई कि अनुमान लगाना, अनुमान के हिसाब से आप लोग कई बार अनुमान सही भी हो जा रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, कई बार आपका अनुमान सही भी हो जाता है, कई बार अनुमान उस हिसाब से नहीं भी होता है, तो मीडिया का काम भी है आप लोग विश्लेषण भी अच्छा करें। जी, बहुत सक्सेसफुल भी रही थी आपने जो एक जो प्रयास किया था महागौर एकजुट करने का, वो एक मंच पर दिखे भी थे आप, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम लग नहीं पाया, और आप देख सकते हैं कि होली से पहले ही स्थिति काफी खराब होने शुरू हो गई थी, और बिहार में लॉकडाउन भी लग गया था। यह सारे मामले हैं, समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा महागठबंधन के अंदर। देखिए, महागठबंधन परिवार की तरह है, और परिवार से जब भी कोई सदस्य जाता है तो दुख तो होता ही। तो आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत, राम मंदिर, इन मुद्दों पर फायदा उठा लेंगे? कर सकते हैं ये लोग, लेकिन इस बार कोई भी चाल नहीं चलने वाला। इन सारे मुद्दों के सामने एनडीए के आपके मुद्दे क्या है, किस मुद्दे पर चुनाव जीत जाएगा? सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है पढ़ाई, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्यवाही और सुनवाई। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते, हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में राजनीतिक समीकरण हर पल बदल रहे हैं। कभी मांझी जी जैसे बड़े नेता जो महागठबंधन में ये बोल कर आए थे कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है एनडीए में, और नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति अंतिम दम तक करेंगे, लेकिन खबरें अब जो आई हैं सामने वो ऐसी हैं कि देखकर शायद एक साल पहले आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। हम लगातार पूछ रहे थे, हमारे साथ अभिषेक झा जी मौजूद है, रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता है बिहार में। हम इनसे भी लगातार ये बात पूछते आ रहे थे कि मांझी जी की समस्या क्या है, क्यों नाराज चल रहे हैं। आज उन्होंने अपनी नाराजगी पर से भी पर्दा उठाया है और इस बात को भी मान लिया है सार्वजनिक तौर पर कि वो महागठबंधन का हिस्सा अब नहीं है। सर, ये बातें तो हमने लगभग 6 महीने पहले भी आपसे पूछी थी कि मांझी जी के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं कि वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। आज एक बड़ा डेवलपमेंट इसमें जरूर हुआ है कि जा तो रहे थे वो, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात जो कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको नाम भी उन्होंने लिया, हालांकि कि जिसको भी बेइज्जती सहकर महागठबंधन में रहना है वो रह सकता है, हम नहीं रह सकते हैं। क्या कहना चाहिएगा इसमें? देखिए, महागठबंधन परिवार की तरह है जी, और परिवार से जब भी कोई सदस्य जाता है तो दुख तो होता ही है जी। महागठबंधन से मांझी जी की पार्टी, हमने नाता तोड़ लिया है, दुखद बात है, नहीं करना चाहिए था उन लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि महागठबंधन में हम लोगों ने अपनी प्रायोरिटी सेट की है कि महागठबंधन इस बार चुनाव में जा रहा है तो जनता से जुड़े मुद्दों के साथ ही जाएगा। बिहार इतने वर्षों से पिछड़ा है, आप जानते हैं बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था कैसी है, तो महागठबंधन में हम लोगों के मुद्दे सेट हैं, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्यवाही, सुनवाई, इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। और फिर इन मुद्दों के ऊपर सीटें कितनी मिलने वाली है, नेतृत्व कौन करेगा, यह सारे मामले हैं जो समय रहते तय कर लिए जाएंगे। लेकिन प्रायोरिटी अभी भी है जी कि हमें जनता के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ना है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी उस एक जो तिकड़ी बनी थी उसमें आप भी थे, रालोसपा भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, आप लोगों ने कलेक्टिवली मांग की, कांग्रेस ने भी आपका साथ दिया, दिल्ली में मीटिंग हुई अहमद पटेल की, आपने सब ने मिलकर प्रेशर डाला था कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने ताकि संवादहीनता न हो। आपने भी मुझसे बात करने की बात कही थी कि संवादहीनता के चलते कुछ परिस्थितियां गड़बड़ाती हैं जिसके वजह से मार्केट में या मीडिया चैनलों के सुर्खियों में ऐसी खबरें चलने लगती है कि महागठबंधन में विवाद है। संवादहीनता तो अभी भी है और अभी भी आपके पास कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 5 लोगों को या 10 लोगों को या 8 लोगों को कहीं भी किसी भी गंतव्य स्थान तक पहुंचना है तो बैठकर कॉपी कलम लेकर कुछ स्ट्रेटजी तय करनी पड़ेगी कागज पर, उसके बाद उसका क्रियान्वयन करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी यही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी से किसी भी घटक दल का नुकसान नहीं हो सकता, जब भी होगा तो फायदा ही होगा, इसलिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग
की भी थी और उसका समर्थन भी किया था कि निश्चित रूप से वो होना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा है कि लोकसभा के चुनाव में भी महागठबंधन का कमोवेश यही स्वरूप था और कोऑर्डिनेशन का कहीं ना कहीं अभाव रह गया था हम लोगों के अंदर, इस वजह से भी परिणाम इस तरह से आए थे और हम लोग इतनी सीटों पर हार गए थे। तो यह एक बहुत जेन्युइन सी बात थी जो हमें लगता है कि अभी भी समय रहते पूरी हो जाएगी, उसके लिए माझी जी को जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि संवादहीनता नहीं है, सभी लोगों से बात होती है, हमारी ही बात होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक बात कहीं ना कहीं है, कोऑर्डिनेशन को लेकर जब आप लोगों ने प्रेशर बनाया था तो वहां से जवाब आया था, तेजस्वी ने स्पष्ट बोला था कि जगदानंद सिंह को पावर ऑफ अटॉर्नी है, सीटों को लेकर बात किया जा सकता है। माझी जी ने अपने प्रखंड अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया, लेकिन आपने कुछ समझदारी दिखाई, आपने एक टीम बनाई और अपने दिग्गज नेताओं की टीम बनाई, आपने उनको भेजा बातचीत करने के लिए, लेकिन फिर भी समझ में यही आ रहा है कि आपकी स्थिति भी, सीटों का समीकरण आपका भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। देखिए, सीटों का समीकरण स्पष्ट होना एक बात है जी, बातचीत चल रही है, बातचीत का दौर लगातार जारी है और जब यह सारी चीजें सबकी रूपरेखा एक बार स्पष्ट हो जाएंगी तो आधिकारिक रूप से आप लोगों के बीच रख दिया जाएगा। उससे पहले तो मीडिया का काम है भाई कि अनुमान लगाना, अनुमान के हिसाब से आप लोग कई बार अनुमान सही भी तो हो जा रहे हैं सर, वही मैं कह रहा हूँ, कई बार आपका अनुमान सही भी हो जाता है, कई बार अनुमान उस हिसाब से नहीं भी होता है, तो मीडिया का काम भी है, आप लोग विश्लेषण भी अच्छा करते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारी पार्टी ने भी 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, आदरणीय जगदानंद सिंह जी से मिली भी थी, बातचीत इस पर हुई भी थी, लेकिन देखिए ना कि अभी लोगों की प्रायोरिटी, हम लोगों की प्रायोरिटी यही थी कि भाई कोरोना जैसी महामारी से बिहार जूझ रहा है, दोहरी मार भी बाढ़ की है, तो इन सब परिस्थितियों में हम जनता के बीच तो है कि समय रहते चुनाव की घोषणा जब हो जाए, ऐसा लग भी रहा है कि चुनाव कमोवेश सही समय पर होगा, तो इन सारी परिस्थितियों में हम लोग सब कुछ कर लेंगे, चिंता की बात नहीं है, जरा भी हम लोग बेचैन उद्विग्न नहीं। 2019 में एक अच्छा आपका समीकरण था, कागज पर सबसे मजबूत विकल्प आप दिख रहे थे, लेकिन फिर भी परिस्थिति आपके अनुकूल एकदम नहीं थी, 19-20 भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बार फिर आप जा रहे हैं, झटका तो आपको ऑलरेडी एक लग चुका है, माझी जब साथ में नहीं है, एक दलित एजेंडा जो इस बार राजनीति काफी हावी रहेगी चुनाव में, साफ नजर आ रहा है, श्याम रजक भी इधर से उधर चले गए हैं, ऐसे में आपको, आप एक तरफ तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को बुलाने का भी न्योता कांग्रेस ने दिया था, खुद उनके नेता ने कहा था कि चिराग जी आ जाए, बातचीत भी चल रही है, चिराग जी को बुलाना चाहते हैं, सीट देना चाहते हैं, और माझी जी जिनका टेलीफोन तक छीन लिया गया, उसके प्रति कोई सहानुभूति आप लोगों को नहीं है? देखिए, सहानुभूति वाली बात नहीं है, क्या होता है कई बार चीज़ों में हमें ध्यान रखना पड़ता है, समय का इंतजार करना पड़ता है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जहाँ तक आपने बात की चिराग पासवान जी की, देखिए मामला ये है कि आप चिराग पासवान जी की स्थिति जो है वो कमोवेश हमारी स्थिति भी लोकसभा चुनाव से पहले थी, हम लोग भी लगातार बिहार के मुद्दे को उठा रहे थे, देश और बिहार का जो चुनाव है अलग अलग है, लोकसभा विधानसभा का चुनाव अलग अलग है। आपने देखा कि कैसे हमारी पार्टी जब नीतीश कुमार जी के एजेंडे की खिलाफत करती थी, हम लोगों ने शिक्षा के मुद्दे को इतना उठाया था, तो लोकसभा चुनाव से पहले हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने मंत्री पद तक का लालच त्याग दिया और कुर्बानी तो आपकी पार्टी ने दी है। लेकिन अब आप देखिए कि चिराग पासवान जी को नेता देते हैं लोग, और हम लोग भी कहते हैं कि अगर आपकी विचारधारा महागठबंधन से मेल खाती है तो निश्चित रूप से आपको इस तरफ रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ऐसे कैसे काम चलेगा कि आप उधर भी हैं और उनकी खिलाफत कर रहे हैं? अगर आप सच में जनता के हितों की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, उससे सरोकार रखते हैं, निश्चित रूप से आपको वहां छोड़ देना चाहिए, उस गठबंधन को त्याग देना चाहिए और जनता के मुद्दों के लिए आप महागठबंधन। एक बड़ी बात आज आपके महासचिव जो राष्ट्रीय हैं माधव, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने दो बातें बिंदुवार कही। एक तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में कोई दिक्कत नहीं है, एक युवा है, उन्होंने बार बार अपने भी वकालत की है। दूसरा उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि माझी जी को हम मना लेंगे। अब ये दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी ये समझ में नहीं आया, क्योंकि माझी जी का तो पूरा एजेंडा ही रहा कि तेजस्वी का परिपक्वता पर, उनके नेतृत्व पर। देखिए, हमने कभी भी, हमारी पार्टी ने, आदरणीय माधव आनंद जी को भी आपने कई बार सुना देखा और उनसे बात भी किया है, कि हमारी पार्टी ने कभी किसी की खिलाफत नहीं की है, ना किसी का समर्थन किया है कि यही अमुक आदमी बन सकता है या नहीं बन सकता है। हम तो ऐसा मानते हैं कि महागठबंधन के अंदर नेतृत्वकर्ता का अभाव नहीं है, बहुत सारे चेहरे हैं हमारे पास, लेकिन किसी भी चेहरे को चुनना होगा, मान लीजिए किसी भी चेहरे को चुनना होगा, नमन जी आपको ही चुनना होगा, तो बैठना पड़ेगा ना सब लोगों को, बैठ के कहना पड़ेगा कि यही चेहरा हमें चुनना चाहिए, इससे सबसे ज्यादा फायदा गठबंधन को होगा, इनकी स्वीकार्यता बिहार में सबसे ज्यादा है और हमें लाभ होगा, तो इनको चुनना चाहिए, उसके लिए बस बैठने की बात है, तो बैठ कर हम किसी को भी डिसाइड कर लें। किसी आरोप तो सर लगता है कि ये जो कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग हुआ है बिहार के लोगों में, ये तो आपके महागठबंधन में पहले से ही है कोरोना के। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात नहीं, आपने देखा कि हमारे नेता जब आमरण अनशन पर भी थे तो महागठबंधन के सभी लोग आए थे, उसके बाद महागठबंधन का जॉइंट कोई इस तरह का बड़ा बहुत सक्सेसफुल भी नहीं थी। आपने जो एक जो प्रयास किया था महागठबंधन एकजुट करने का, वो एक मंच पे दिखे भी थे आप, हाँ, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? तो उसके बाद कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम लग नहीं पाया, और आप देख सकते हैं कि होली से पहले
ही स्थिति काफी खराब होने शुरू हो गई थी और बिहार में लॉकडाउन भी लग गया था। यह सारे मामले हैं, समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा महागठबंधन के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी महागठबंधन के लिए जनहित के जुड़े मुद्दे। एक बड़ा सवाल देखिए यहाँ से खड़ा होता है, दर्शक भी लगातार देख रहे हैं, कई दर्शक ने तो अपने पूर्वाग्रह से कमेंट भी करना शुरू कर दिया है। आपके हिसाब से रालोसपा एक ऐसी पार्टी है जिसने बिल्कुल कुर्बानियां दी हैं महागठबंधन एकजुट रखने के लिए, आए ही थे आप कुर्बानी देकर, और उपचुनाव के दौरान आप चाहते तो लड़ सकते थे चुनाव, लेकिन आपने नहीं लड़ा। उसके बाद भी कई जगहों पर हमने देखा कि कार्यक्रमों के माध्यम से आपने प्रयास किया कि सभी लोग एकजुट हो जाए। कुर्बानी तो आप देते आ रहे हैं, मांझी जी ऑब्वियसली उन्होंने एक अलग तरीका लगाया अपनी बातें मनवाने का, वो नहीं मान पाए। आगे चल के महागठबंधन में जो चार दल बचे हुए हैं और लोगों को जोड़िएगा या और घसकने के चांसेस हैं? देखिए पहले भी हमने इस बात को दोहराया है कि एनडीए की विचारधारा के विपरीत और महागठबंधन से मेल खाती विचारधारा वाले जो भी दल महागठबंधन के साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है, और निश्चित रूप से चुनाव आने से पहले महागठबंधन का कुंबा बढ़ेगा और भी दल आएंगे। मांझी जी के जाने से जो भी नुकसान महागठबंधन को हुआ है उसकी आपूर्ति समय रहते चुनाव से बहुत पहले हो जाएगी। सीटों का समीकरण आपका कब तक फाइनल हो जाएगा? बहुत जल्द, चुनाव से पहले, चुनाव की आधिकारिक घोषणा से पहले हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि सबको जरूरी नहीं है कि हम अपने पत्ते चुनाव से बहुत पहले ही खोल दें। नहीं, पिछले बार ये पत्ते खोलते खोलते काफी समय हो गया था और मांझी जी का आरोप भी यही था। हम उससे सीख लेंगे, हमने उससे सीख लेंगे और समय से पहले करेंगे। मांझी जी ने सीख ले लिया, वो तो उनकी उन्होंने क्यों निर्णय लिया है, उनके अंदर क्या चल रहा था, उनकी पार्टी के अंदर क्या बातें थी, या उनका मामला। एक राजनीतिज्ञ के तौर पर आपने देखा नीतीश कुमार जी ने भी कई बार विचारधारा अपनी इधर उधर की है। कई नेता है ऐसे बिहार में जो अपनी विचारधारा पे अडिग नहीं रह पाते हैं, सरकम सांसद होता है। आप इसे क्या मानते हैं, क्या मांझी जी ने मौका परस्ती दिखाई है या विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस है वो? नहीं, थोड़ी हड़बड़ाहट हो गई है उनकी तरफ से, उन्हें धैर्य रखने की जरूरत थी, धैर्य रखते इंतजार करते तो सब कुछ बहुत बेहतर होता। बड़े परिपक्व नेता है, बिहार के एक्सेप्टेबल नेता है, उनका जाना दुखद है हमारे लिए, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता है कहीं रुकने या जाने के लिए, नहीं करना चाहिए था लेकिन कर भी दिया है, तो कोई बात नहीं। महागठबंधन जनता के मुद्दों के साथ चुनाव में संवादहीनता तो अभी भी है, वो तो बात आपके महासचिव ने भी मानी है कि संवादहीनता है, इसको कैसे दूर कर पाए? समय रहते हैं, समय बहुत कम बचा है, इसलिए काफी है समय, समय काफी है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं और परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है, तो हम तैयार हैं परीक्षा के लिए, बातचीत भी हो जाएगी, शीट शेयरिंग भी हो जाएगी। आपके समक्ष जो एनडीए है वो एनडीए ऐसा है कि वहां उसकी दिल्ली में भी सरकार है और उसकी सरकार बिहार में भी है, क्या फायदा है उसका जी? अरे डबल इंजन की सरकार भी है तो ट्रबल इंजन की सरकार महसूस हो रही है, क्या फायदा है ऐसा कुछ बड़ा फायदा बिहार को बताइए आप? चुनाव के दौरान आपको लगता कि एनडीए फायदा उठा सकता है अपने? कोई भी फायदा उठाने की कोशिश कर ले आप जी, आप जनहित के मुद्दों से सरोकार नहीं रखते हैं, जनता को क्रश करते हैं, जनता इस बार आपके साथ नहीं रहेगी, जनता हमारे साथ। पिछली बार आपने कहा था कि पुलवामा का फायदा हो गया उनको, एक ऐसे समय में ये घटना हुई कि जिसकी वजह से सेंटीमेंट बन गया, उन लोगों ने उसका बाजारीकरण किया, आप समझिए। तो आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत, राम मंदिर, इन मुद्दों पे फायदा उठा लेंगे? कर सकते हैं ये लोग, लेकिन इस बार इनकी कोई भी चाल नहीं चलने वाली है। इन सारे मुद्दों के सामने एनडीए के, आपके मुद्दे क्या है, किस मुद्दे पर चुनाव जीत जाएगा? सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है पढ़ाई, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्यवाही और सुनवाई, इन्हीं मुद्दों पे बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित रूप से जनता महागठबंधन को आशीर्वाद देगी। बाढ़ और कोरोना की स्थितियां लगातार बिहार में हैं, इन परिस्थितियों को आप भी देख रहे हैं, पार्टी के तौर पर आप भी जमीन पर उतरकर अपने भी मदद करने का प्रयास किया है, स्थिति कितनी विकट है और चुनाव इस परिस्थिति में करान पाना वो क्या लगता है? हम इसके पक्ष में नहीं थे, हम इसके पक्ष में जरा भी नहीं थे कि जब बिहार दोहरी मार झेल रहा है, कोरोना तो पूरे विश्व में है ही, अन्य राज्यों में भी है, लेकिन बिहार में 80-90 लाख की आबादी प्रभावित है बिहार बाढ़ से और इतनी बुरी तरीके से प्रभावित है, आप समझिए कि जान रहेगा तब तो इंसान कुछ कर पाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब यह समझ से परे है कि क्यों चुनाव आयोग ने यह समय उपयुक्त माना है, समझा है, अगर अल्टीमेटली चुनाव आयोग यह निर्णय लेगा कि चुनाव होने हैं तो हम रहे उसके लिए तैयार। एक और बात है सर, मांझी जी जब निकले हैं, अंतिम सवाल है मेरा, मांझी जी जब गए हैं तो कहीं ना कहीं एक बात भी सामने आई है कि एक पार्टी के तौर पर भी उनकी मजबूरियां थी, कहीं ना कहीं 4% वोट नहीं मिला था, दो उम्मीदवार जीत कर नहीं आए थे और अब टेलीफोन छीन लिया गया था, हो सकता आगे चल के उनकी पार्टी की मान्यता छीन ली जाती। आप भी एक ऐसी ही पार्टी हैं, इसी तरीके का आपका फ्रेम ऑफ वर्क है बिहार में, आपके लिए भी तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है ना? देखिए परिस्थितियां चुनौतियां कितनी भी कठिन हो, हमने पहले भी उसका सामना किया है, परफॉर्मेंस दिया है, जनता हमारे साथ है और यह सारी दिक्कतें कोई मान्य नहीं रखती हैं। हम चुनाव लड़ेंगे, पर्याप्त सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे और इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभिषेक जी चुनाव लड़ेंगे? देखिए यह तो पार्टी का निर्णय होता है कि पार्टी तैयारी है कि नहीं, किसे चुनाव लड़ाती है। देखिए हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
पार्टी आगे कहीं भी करते हैं किसी बार बार आप कहते हैं कि युवाओं को आगे रहना, तेजस्वी को जब सीएम बनना है तो कम से कम अभिषेक को एमएलए तो बनना पड़ेगा, कोई आवश्यकता नहीं है ना, हमारे साथ के लोग हमारे उम्र के लोग एमएलए बन जाए जी, हम उनके साथ हैं, हम लोग संगठन में काम करने वाले लोग हैं, एमएलए एमपी बनने की चिंता नहीं, कुर्बानी देने के लिए तैयार है निश्चित रूप से। देखिए शुरुआती दौर से ही लगातार रालोसपा ये बात कहती आई है, सम्मान भी देती आई है, चाहे महागठबंधन के कोई भी घटक दल हो सभी को सम्मान दिया है इन्होंने, और ये भी कहा है कि अगर हमारी सीटें कम करनी भी पड़े तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद, इतना व्यापक हृदय दिखाने के बावजूद, इतने कुर्बानियां देने के बावजूद भी अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन कह रहे हैं अभिषेक झा जी कि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी सब कुछ सुलझा लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं दिल्ली का ऑपरेशन इसमें मुझे याद आता है, हो सकता है कि दिल्ली में कुछ ऐसी बातें हो रही हो जो बिहार के मीडिया की सुर्खियों का नहीं, कहीं ना कहीं दोनों का सामंजस्य बन पा रहा है। बहुत जल्दी इनसे फिर मुलाकात करेंगे, फिलहाल बड़ी खबर आपने देख ली है, एक बड़ी बहस हम दोनों ने की, हमने प्रयास किया आपके सामने मांझी जी को कहीं ना कहीं महागठबंधन से जाने के लेकर जो बातें हैं उनको बताया आपके सामने, फिर तुरंत मुलाकात होगी बहुत जल्दी, भारत लाइव पर धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।